नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक है हमारा स्टैटिक जीके का। अंत तक बने रहें मेरे साथ वीडियो में और शेयर करें, ठीक है। स्टैटिक जीके पढ़ेंगे और शेयर कर दें क्लास को और लाइक करना भी ना भूलें, ठीक है। देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं तो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, रिविजन हो जाएगा, रिविजन करते रहिए। जैसे एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, इसमें शब्द लगाए 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल राजाओं ने। और कहां पे स्थित है? जी मध्य प्रदेश में स्थित है मंदिर। और मध्य प्रदेश के कहां पे स्थित है? खजुराहो में, एमपी के खजुराहो में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। नोट कर लेना भाई साहब अच्छे से, ठीक है कंप्यूटर जी, 64 योगिनी मंदिर। और यहीं पर एक और मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर, वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सफदरजंग का मकबरा, ये एक शासक थे, मुगल शासक ही थे, क्या नाम था इनका? सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में ही। और किसने बनवाया था? ये सुजाउद्दौला ने बनवाया था। कौन से शासक ने? सुजाउद्दौला ने निर्माण कराया था सफदरजंग का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नोट कर लेना। अगला है छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। मोहम्मद अली शाह ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? मोहम्मद अली शाह। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में, बड़ा इमामबाड़ा लिख लेना। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण आसफ़-उद-दौला नामक शासक ने कराया था लखनऊ में ही। किसने? आसफ़-उद-दौला नामक शासक ने बड़ा इमामबाड़ा। और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, ठीक है। दरगाह है अजमेर शरीफ की, बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना ही होगा, अजमेर में जाते हैं दर्शनार्थी जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं। इसका निर्माण किसने कराया? सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक ने कराया था, ठीक है। अजमेर दरगाह शरीफ का निर्माण ग्यासुद्दीन तुगलक ने। और कहाँ पे स्थित है? जी अजमेर में ही। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, हौज खास एक जगह बनवाई जी हौज खास के नाम से, दिल्ली में ही स्थित है। हौज खास कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। और दिल्ली में किसने निर्माण कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था हौज खास का दिल्ली में, नोट कर लेना भाई साहब, ठीक है। और लाइक शेयर भी कर देना क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। ये सब विविध वाला पोर्शन है जो कि आपने नहीं पढ़ रखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और पढ़ भी रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। रिवीजन करते रहो, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे, आप पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आए, तो रिवीजन सारी चीज़ों का करिए। विविध तो पूरी आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हिलती मीनारें हैं जी, हिलती मीनारें कहाँ पे स्थित हैं जी? अहमदाबाद में। अहमदाबाद की सबसे ऊँची मीनारें, बहुत प्रसिद्ध मीनारें हैं। सीदी बशीर नामक शासक थे, उन्होंने निर्माण कराया था। किसने कराया था? सीदी बशीर ने निर्माण कराया था। अहमदाबाद में स्थित है जी हिलती मीनार है, नोट कर लेना, ठीक है सर। अगला है रानी की बाड़ी। ये भी एक मेरे ख्याल से एक कुएं का प्रकार है, कुआ जैसा लगता है, कुआ जैसा लगता है जी, ठीक है। रानी की बाड़ी बूंदी में स्थित है, राजस्थान राज्य में। कौन से राज्य में? राजस्थान के बूंदी में स्थित है। रानी नाथवती के द्वारा ये बनवाया गया था। किसने निर्माण कराया था? रानी नाथवती। आराम से देखते चलो, रानी की वाड़ी। और एक है रानी का वाव, ये गुजरात में स्थित है ना, नोट कर लेना। उम्मेद भवन पूछा जाता है कई बार, उम्मेद भवन कहाँ पे स्थित है? तो उम्मेद भवन जोधपुर में स्थित है, काफ़ी प्रचलित है, प्रसिद्ध है, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। जोधपुर बोले तो राजस्थान में, क्या नाम है? उम्मेद भवन। किसने बनवाया? महाराजा उम्मेद सिंह। महाराजा उम्मेद सिंह थे तो उन्होंने अपने नाम से ही बनवाया, तो क्या नाम रखा? उम्मेद भवन, ठीक है सर। शालीमार बाग बहुत फेमस बाग है एक, दूसरा है निशांत बाग। ये दोनों बाग आपको मिलेंगे कश्मीर में, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। दोनों बाग कहाँ पे स्थित हैं? श्रीनगर, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। देखो आप पढ़ोगे तो नूरजहाँ भी कई बार लिखा है कि नूरजहाँ ने बनवाए थे जी बाग। शासनकाल किसका था? शासनकाल था जहांगीर का। भाई आपसे पूछे जाए कि किसके शासनकाल में निर्माण हुआ, तो जहांगीर के शासनकाल में इन बागों को स्थापित कराया गया, लेकिन मुख्य योगदान इसमें नूरजहाँ का था। और निशांत बाग में तो नूरजहाँ के भाई का भी योगदान था, जिसका नाम था आसफ खान, इसका भी योगदान मानते हैं ना। लेकिन एग्जाम में हमेशा जहांगीर आएगा या नूरजहाँ आएगा, ये दोनों याद रखना एग्जाम में, ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं। शालीमार और निशांत बाग का निर्माण इनने कराया था अपने शासनकाल में। शेरशाह का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम में। ये तो रटी रखा होगा आपने, बिहार में स्थित है, सासाराम एक जिला है। और 1545 में इसका निर्माण कराया था, इसके पुत्र ने ही, पुत्र का नाम आप देख लीजिएगा, शेरशाह सूरी के पुत्र ने ही अपने पिताजी के मकबरे का निर्माण कराया था, ठीक है। कौन से जिले में? सासाराम डिस्ट्रिक्ट में। चारों तरफ पानी है, बीच में ये मकबरा है, ठीक है, सासाराम में। किनका? शेरशाह सूरी का। अगला है अकबर का मकबरा,
ये भी याद रखना है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है भाई साहब, कहाँ पे स्थित है? सिकंदरा आगरा में, आगरा के सिकंदरा में स्थित है। और निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने, अकबर के पुत्र ने। ये कौन था? अकबर का पुत्र, जिसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक है सर, तो सलीम ने निर्माण कराया, यानी कि जहांगीर ने निर्माण कराया अपने पिताजी का मकबरा। अगला जोधाबाई का मकबरा, ये भी वहीं पर है। ये भी कहाँ है? सिकंदरा में। सिकंदरा बोले तो आगरा में जोधाबाई का। ये भी किसने बनवाया? जहांगीर ने। तो अपनी मम्मी के और अपने पापा के मकबरे किसने बनवाए? जहांगीर, है ना। जहांगीर की माताजी का नाम क्या था? जोधाबाई। तो जोधाबाई का भी मकबरा सिकंदरा आगरा में है, और उसके पिता कौन थे? अकबर। तो अकबर का भी मकबरा कहाँ है? सिकंदरा आगरा में। ये दोनों मकबरे अगर इधर से जाएंगे तो राइट हैंड पे जोधाबाई का मकबरा पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा अकबर का मकबरा, है ना। और NH2 नेशनल हाईवे सेकंड, या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला जो रोड है, उसी पर दाएं और बाएं हाथ पर जो स्थित है आगरा के सिकंदरा में दोनों मकबरे, है ना। आगे बात करते हैं, चश्मा शाही नामक एक प्रसिद्ध जगह है जम्मू कश्मीर में, इसका निर्माण किसने कराया? अली मर्दान खान शासक थे एक, अली मर्दान खान। क्या नाम है इसका? चश्मा शाही। ठीक है, नोट कर लेना। अगला है चीनी का रोजा नामक एक इमारत है आगरा में, इसका निर्माण कराया शाहजहां ने। चीनी का रोजा, यहाँ चीनी ज्यादा मिलती है इस वजह से नाम रखा गया चीनी का रोजा। ऐसा कुछ नहीं है चीनी ज्यादा मिलती है, ऐसी मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुगलों में ये नाम हम पढ़ते हैं। ये इमारत है चीनी का रोजा, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस का मतलब राजकुमार, कहाँ के राजकुमार? वेल्स के राजकुमार। वेल्स एक देश है इंग्लैंड के पास में, प्रिंस ऑफ वेल्स, और वेल्स एक राजकुमार का भी नाम है। इसका म्यूजियम कहाँ पे बनवाया गया? मुंबई में। किसने बनवाया? जॉर्ज पंचम ने बनवाया था, लिख लेना। किसने बनवाया था? जॉर्ज पंचम ने। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है, जॉर्ज पंचम ने बनवाया था। अगला है कोणार्क मंदिर, इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। इस मंदिर को दूसरा नाम भी लिख लेना, क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से ये मंदिर जाना जाता है भाई साहब। ठीक है कि नहीं? और कहाँ पे स्थित है? पुरी जिले में, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। उड़ीसा भी लिख लेना, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट लिख दिया मैंने, पुरी। किसने बनवाया? नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। कोणार्क का मंदिर है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्या बोलते हैं इसे? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और दूसरा नाम है इसका ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। पुरी जिले में स्थित है और नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, नोट कर लेना। अगला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा में स्थित है, ये भी पुरी जिले में ही। ये गंगदेव नामक शासक ने बनवाया था, गंगदेव नामक शासक ने निर्माण कराया था। ठीक है सर, अगला पॉइंट पर चलते हैं। खिड़की मस्जिद है एक, क्या नाम है? खिड़की मस्जिद, मस्जिद है लेकिन मस्जिद का नाम है खिड़की। दिल्ली में है ये खिड़की मस्जिद, और इसका निर्माण ग्यासुद्दीन तुगलक ने कराया था अपने शासनकाल के समय, जब तुगलक वंश की नींव रखी और ग्यासुद्दीन तुगलक ने शासन किया दिल्ली पर, तो उस समय भाई साहब ये निर्माण कराया था, है ना। खिड़की मस्जिद दिल्ली में ग्यासुद्दीन तुगलक। जंतर मंतर जयपुर में किसने निर्माण कराया? राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का। जंतर मंतर एक खगोलीय वेदशाला होती थी, एक इमारत, एक बिल्डिंग खगोलीय वेदशाला के रूप में स्थापित की जाती थी। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति जो आए 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे भारत में, इमैनुअल मैक्रो, है ना, फ्रांस के। तो उन्होंने जयपुर से अपनी यात्रा शुरू करी, तो जयपुर में प्रधानमंत्री जी के साथ रोड शो भी किया, और जयपुर में हवा महल भी गए घूमने, और जयपुर में जंतर मंतर भी गए थे वो, है ना। हवा महल में करा चुका हूँ क्लासों में, आपको कमेंट बॉक्स में बताओ हवा महल जयपुर में है लेकिन बनवाया किसने था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में। तो जंतर मंतर क्या था? एक खगोलीय वेदशाला, खगोल के बारे में, खगोल मतलब ब्रह्मांड अंतरिक्ष के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, तो सवाई जयसिंह ने बनवाया था, है ना। जंतर मंतर एक नहीं है, जंतर मंतर उज्जैन में भी है, जंतर मंतर दिल्ली में भी है, और जंतर मंतर ये इधर जयपुर में भी है। दो तीन वेदशालाएं हैं बहुत प्रसिद्ध भारत में जी। ठीक है, एक गोल घर है, गोल घर नामक एक इमारत है पटना में है जी, पटना मतलब बिहार में। किसने इस बनवाया जी? ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों की सरकार ने इसका निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? गोल घर का। अगला पॉइंट है, इनको नोट कर लेना, रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ स्टैटिक जीके के माध्यम से, और 12-13 दिन रह गए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, और जो लीसेंट में जिन तक आप नहीं पहुँच रहे हैं विविध में, उन चीज़ों को और पढ़ते रहिए। इस क्लास से मुझे लगता है कि आपको मिलेंगे पॉइंट, चूँकि आप नहीं पढ़ रखे होंगे इनको, है ना, पढ़ रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका। सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर भारत का, माफ़ कीजिए विश्व का, तो टोक्यो है जो विश्व का है भाई साहब, है ना। टोक्यो जापान की राजधानी है, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है टोक्यो में,
नोट कर लेना, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, और ये कैसा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, कैसा है ये, ठंडा, और कौन से देश में स्थित है, मंगोलिया में, देश का नाम मंगोलिया लिख लेना भाई साहब, मंगोलिया की राजधानी उलानबाटोर है, और मंगोलिया बीच में स्थित है, मंगोलिया के एक तरफ रूस है और एक तरफ चाइना है, मंगोलिया के है ना, चीन दक्षिण में है, रूस उत्तर में है और मंगोलिया बिल्कुल बीच में है, राजधानी इसकी मंगोलिया, माफ कीजिए उलानबाटोर है इसकी राजधानी, उलान राजधानी भी लिख लेना, क्या है इसकी राजधानी, उलानबाटोर कैपिटल लिख लेना। अगला है सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है भारत का, भारत का है जी, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर भाई साहब, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है एलोरा, एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर है, यह सबसे बड़ा गुफा मंदिर है भारत का, इसका निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूट वंश ने, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, लिख लेना कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण है ना, सबसे बड़ा गुफा मंदिर पढ़ते हैं इसे। सबसे बड़ी सहायक नदी भारत की कौन सी है, कैसी नदी है भाई साहब, सहायक नदी है, तो कौन सी है सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना जी, किसकी सहायक है ये, गंगा की, गंगा में कहाँ पे मिलती है, इलाहाबाद में आकर के मिलती है गंगा में, है ना, नोट कर लेना। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, मुंबई, भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर या शहर की जगह क्या शब्द आ जाएगा, नगर, एक ही बात है, तो आंसर क्या है, मुंबई। और भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला भी लिख लीजिए आप, ठाणे है, महाराष्ट्र का ही जिला है ठाणे, जहाँ से वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब एकनाथ शिंदे जी वहीं के रहने वाले हैं, तो ठाणे सबसे बड़ा, माफ़ कीजिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्या है, जिला है, आबादी वाला जिला है। और पहली ट्रेन भी कहाँ पे चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, 16 अप्रैल 1853 में, 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी इस रेलगाड़ी ने, तो सबसे पहले ये रेलगाड़ी चली थी, ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट भाई साहब हमने लिया है एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती, एशिया की सबसे बड़ी, हाँ मलिन का मतलब गंदे, गंदी बस्ती अपनी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन किताब की भाषा में क्या लिखा है, मलिन बस्ती, ये एशिया की सबसे बड़ी है, लगभग 13.5 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। मलिन बस्ती का मतलब जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में जीवन जी रहे हैं, है ना, झुग्गी झोंपड़ियों में जीवन जी रहे हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है, जो कि मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है, और इसका जगह का नाम है धारावी, लिख लेना, 13 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, जो मुंबई में स्थित है, धारावी नामक एक इलाका है, सबसे बड़ा झोंपड़पट्टी वाला इलाका कह लीजिए आप, या मलिन बस्ती कह लीजिए, धारावी बहुत फेमस इलाका है, इसी वजह से फेमस इलाका कि दुनिया में भी इसको गिना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी है। अगला पॉइंट है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कैसी, तटीय झील, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है भाई साहब, चिल्का झील, कौन सी झील है भाई साहब, चिल्का झील, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है सबसे लंबा बांध, कैसा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध, कहाँ पे स्थित है जी, उड़ीसा में स्थित है, इसकी नींव 1946 में रखी गई थी, हीराकुंड बांध की 1946 में, और उद्घाटन इसका पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में किया था, कब किया था सर, 1957 में इसका उद्घाटन किया था, लिख लेना। महानदी पर स्थित है ये, भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के संबलपुर नामक जिले में स्थित है, उड़ीसा के संबलपुर में, ठीक है कंप्यूटर जी। अगला पॉइंट है सबसे लंबा समुद्री बीच भारत का, भारत का सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा, मेरीनो, मेरीनो देखना सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है, ये शब्द ऐसा ही होगा लेकिन मैंने गलत शब्द लिख दिया थोड़ा सा, चेन्नई में ही है सबसे लंबा समुद्री बीच है, ठीक है आपको बता देंगे, चेन्नई में स्थित है ये, तमिलनाडु की राजधानी, चेन्नई का जो समुद्री बीच है, मारिनो बोलते हैं या कुछ ऐसा समथिंग मेरे दिमाग से निकल गया है, मेरीनो या मारिनो, मरीना, सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है, मरीना, ठीक है मुझे याद नहीं रहा था, मेरीनो लिख दिया, मेरीनो एक भेड़ का प्रकार होता है, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी भेड़ मानी जाती है और सबसे अच्छी ऊन निकाली जाती है उसी से, दूसरा शब्द भी बोल दिया तो चिंता ना करो, जीके का क्वेश्चन उसमें भी बताएंगे आपको, वो भी काम आएगा, बढ़िया ऊन निकाली जाती है, बढ़िया ऊन प्राप्त की जाती है, मेरीनो नामक एक बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की भेड़ मानी जाती है, ऊन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन होता है विश्व में, और ये भेड़ का पालन सबसे ज्यादा वहां पर निवासी करते हैं जो डरे और मार्लिंग नदियों के आसपास के इलाकों में रहते हैं लोग, निवास करते हैं लोग भेड़ को पालन करने वाले, है ना। तो मेरिनो बहुत अच्छी ऊन मानी जाती है दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित होता है इसका। मरीना सबसे लंबा समुद्री बीच है चेन्नई में, ठीक है। दोनों पॉइंट हो गए, जो शब्द बोला था उसका भी जीके हो गया है और जो दोबारा बोला वो भी हो गया, ठीक है सर। अगला है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु संयंत्र, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था, लिख लेना। भारत का पहला परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में, और वर्ष 1969 में ये परमाणु संयंत्र लगाया गया था, नोट कर लेना, ठीक है। अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत शक समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लेना और बताएंगे आपको। 10-12 दिन लगातार मैं ऐसे कमेंट क्वेश्चंस पढ़ाता रहूंगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और कुछ विटामिन प्रोटीन की भी क्लास लेकर के आऊंगा आपके लिए, है ना। तो चिंता ना करें, जुड़े रहें, पूरे क्या बोलते हैं मेहनत से आप पढ़ते रहिए। 10-12 दिन रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बच्चों को लगता है कि भाई समय नहीं मिला, तो समय आपको भी नहीं मिला, और समय तो भाई इस पुलिस के एग्जाम में बैठने वाले किसी को भी नहीं मिला। एक महीने में पेपर ले लिया, तो एक महीने में तो पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती है। तो गलती आपकी नहीं, गलती तो उन लोगों की जो ऊपर बैठे हुए, उन्होंने प्रॉपर समय नहीं दिया। तो प्रॉपर समय देना चाहिए था, लेकिन जो बच्चे एक लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन नए बालक जो 2 महीने से 3 महीने 4 महीने से पढ़ रहे थे, तो वो तो सिलेबस कहाँ कवर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अप एंड डाउन दुनिया में चलते रहते हैं। पॉजिटिव रहिए, भी पॉजिटिव रहिए, फिर भी इतना भी होने के बाद इट डजेंट मैटर, है ना। जीवन का एक हिस्सा है छोटा सा नौकरी प्राप्त करना, यदि भी नहीं भी प्राप्त होता थी हो पाती है, तो जीवन में आप अच्छा कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, आप अपनी अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके योग्यता लेकर के, है ना। तो आपको ज़्यादा दिमागी रूप से टेंशन भी नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ते रहिए जो भी टाइम बचा है। इस क्लास को 400 बार देखना इस क्लास को, और सभी क्लासों को देखो 200-400 बार। क्वेश्चन आएंगे वहाँ से, हमारी जीएस की पढ़ाई हुई क्लासों से, और करंट के भी आएंगे, है ना। ये लिख लो आज, नोट कर लो, ये हम लिख करके दे रहे हैं आपको। जितनी करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं हमारी, जितनी जीएस की क्लासेस हैं, क्वेश्चन वहीं से आने, बाहर नहीं जाने, जो हमारा अनुभव है पढ़ाने का खुद का। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार, राधे राधे।